हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक ऑन टेक्निकल एंड बिजनेस प्रमोशन ट्रेनिंग यूट्यूब चैनल। आज हम बात करने जा रहे हैं नेक्स्ट ट्यूटोरियल गूगल एनालिटिक्स के लिए, जिसमें कि हम समझेंगे बिहेवियर रिपोर्ट के बारे में। तो फ्रेंड्स, जैसा कि आपको याद है, इससे पहले हम गूगल एनालिटिक्स में रियल टाइम देख चुके हैं, ऑडियंस की बात कर चुके हैं, एक्विजिशन की, और इस बार इस वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं बिहेवियर सेक्शन की। तो देखिए, क्लिक करते हैं बिहेवियर सेक्शन पे। तो फ्रेंड्स, मैं उम्मीद करता हूं कि इससे पहले आप सारे वीडियो देख चुके हैं, और अगर अभी तक आपने नहीं देखे हैं तो आप मेरी प्लेलिस्ट को चेक कर सकते हैं, प्लेलिस्ट में जाके सारी वीडियो को देख सकते हैं। और अगर आप इंडिविजुअली इस बिहेवियर सेक्शन को भी समझना चाहते हैं तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन मैं सजेस्ट करूंगा कि अगर आप मेरी पूरी सीरीज देखते हैं तो आपको गूगल एनालिटिक्स की बहुत ही क्लियर पिक्चर होगी और बहुत आसानी से आप इस पर काम कर पाएंगे। देखिए फ्रेंड्स, ये जो व्यू मैंने बनाया था, ये करीब मैंने सेप्टेम्बर 2020 में क्रिएट किया है, उसके बाद ये मेरा डेटा आना शुरू हुआ है। तो सबसे पहले मैंने ओवरव्यू में की गया, बिहेवियर के ओवरव्यू सेक्शन में जाता हूँ। तो आप यहाँ देखेंगे, ये डिफॉल्ट डैशबोर्ड है, मैंने इसमें कुछ भी चेंज नहीं किया है, जिसमें कि आप पेज व्यू देख पा रहे हैं, यूनिक पेज व्यू देख पा रहे हैं, एवरेज टाइम ऑन पेज देख पा रहे हैं, बाउंस रेट देख पा रहे हैं, और परसेंट एग्जिट की परसेंटेज देख पा रहे हैं। ठीक है फ्रेंड्स, अब देखिए बिहेवियर, पहले मैं आपको बिहेवियर का मतलब समझा देता हूँ कि बिहेवियर है क्या। बिहेवियर का मतलब है कि अगर कोई भी यूजर मेरी वेबसाइट को विजिट करता है तो उसका बिहेव, मीन्स वो मेरी वेबसाइट पे किस तरीके से बिहेव कर रहा है, क्या क्लिक कर रहा है, कौन सा पेज देख रहा है, कितनी बार देख रहा है, ये सारी चीजें जो हैं एनालिटिक्स के सेक्शन में आती हैं। तो फ्रेंड्स, इसमें अगर आप देखेंगे, सबसे पहले देखिए, अगर आप पेज पे देखेंगे, पेज टाइटल से आप अपनी रिपोर्ट को तोड़ सकते हैं, सर्च टर्म अगर आपकी वेबसाइट पे कोई सर्च बॉक्स लगा हुआ है, इवेंट कैटेगरी आपने अगर कोई भी कस्टम इम्प्लीमेंटेशन कर रखा है। इसके बाद पेजेज आते हैं, पेजेस में आपके पेज व्यू और परसेंटेज पेज व्यू मिलता है। तो ये रिपोर्ट्स होती है जो कि डिफॉल्ट एक डैशबोर्ड है बिहेवियर का। इसके बाद हम आगे चलते हैं, बिहेवियर फ्लो की बात करते हैं फ्रेंड्स। तो इसमें सिमिलरली, जैसा कि आपको रिपोर्ट से पता चल रहा है कि बिहेवियर इसका जो रिपोर्ट का जो फ्लो क्या होगा, कोई भी यूजर आता है, देखिए मैंने यहाँ से लैंडिंग पेज को ले रखा है। अब कोई बंदा, मुझे पता चला कि ये मेरा होम पेज है, होम पेज से वो मेरी वेबसाइट पे कैसे मूव कर रहा है, कि होम पेज से फिर उसका नेक्स्ट पेज क्या है, उसके बाद नेक्स्ट, अगर मैं मान के चलिए होम पेज से अगेन होम पेज पे आया, ठीक है, या ब्लॉग से, इस ब्लॉग का कोई मेरा पर्टिकुलर ब्लॉग था, इस ब्लॉग से मेरे इस ब्लॉग पे आया, या इस ब्लॉग से होम पेज पे गया, आप यहाँ पे देख सकते हैं कहाँ कहाँ जा रहा है। तो होम पेज पे आकर मुझे यहीं से अगर देखना है कि ये ट्रैफिक यहाँ से कहाँ गया है, तो हाईलाइट ट्रैफिक थ्रू हेयर, एक्सप्लोर ट्रैफिक दो हेयर, और ग्रुप डिटेल्स। तो देखिए, यहाँ से अगर मैं, मुझे सिर्फ देखना है कि सिर्फ यहीं का ट्रैफिक, ठीक है, कहाँ जाता है, तो देखिए होम पेज से 102 सेशन जो है वो हमारे ब्लॉग पे भी जाते हैं। तो यहाँ पे आप देखिए, सबसे पहले क्या है, 15% जो यूजर है वो मेरे आगे मूव करते हैं, बाकी जो 84% है वो ड्रॉप ऑफ हो जाते हैं, मतलब मेरी वेबसाइट के पेज को छोड़ देते हैं। तो ये रिपोर्ट, ये एनालिसिस हमें क्या बताता है कि हमें ये देखना होगा कि होम पेज विजिट करने के बाद इतनी नंबर ऑफ यूजर्स, इतने परसेंटेज ऑफ यूजर्स क्यों ड्रॉप ऑफ कर रहे हैं। इसके बाद हम देखते हैं कि यहाँ से यूजर्स कहाँ जा रहे हैं। इसके बाद नेक्स्ट भी आप देख सकते हैं, अगर आप इसे आगे बढ़ाएंगे, फर्स्ट इंटरेक्शन है, सेकेंड इंटरेक्शन ये है, थर्ड इंटरेक्शन है, इसमें अगर आप चाहें तो आप स्टेप ऐड भी कर सकते हैं फ्रेंड्स। यहाँ पे आप क्लिक करेंगे तो देखिए आपका स्टेप ऐड हो जाएगा, और ये स्टेप तब तक चलेगा जब तक कि उस यूजर की जर्नी खत्म नहीं हो जाती है फ्रेंड्स, ठीक है। देखिए कहाँ तक जा रहा है, ये 6th इंटरेक्शन आ गया, 7th इंटरेक्शन आ गया, इसके बाद एक और करते हैं। देखिए अभी एक यहाँ से क्या था, 4 सेशन थे, यहाँ से देखिए ये आया, इसके बाद यहाँ पे 1 रह गया एसईओ ट्रेनिंग पे, ठीक है, 3 सेशन थे, एक यहाँ पे एसईओ ट्रेनिंग पे रह गया, लास्ट इसे करते हैं, और देखिए 9th इंटरेक्शन में ये हमारा बंदा यहाँ पे आता है। इसके बाद अगर आप इसे क्लिक करेंगे तो देखिए क्या आता है, 2 सेशन होते हैं, गूगल एनालिटिक्स ट्रेनिंग पे जाता है। फिर मैं आगे इसे मूव करता हूँ, देखिए 2 सेशन फिर बनते हैं 11th इंटरेक्शन में ये। तो इस तरीके से आप इसको जितना चाहें आगे इसकी रिपोर्ट को तोड़ सकते हैं, किसी एक पर्टिकुलर पेज की भी। और ऐसा नहीं है यहाँ आप सिर्फ लैंडिंग पेज, आप यहाँ क्लिक करके कोई भी इवेंट कैटेगरी, इवेंट एक्शन, जैसे कुछ मैंने इसमें इवेंट भी लगाई हुई है, अगर इवेंट एक्शन हम देखते हैं तो देखिए नोट सेट है, मेल टू पे मैंने लगा रखा है, मेल टू से लोग कहाँ जाते हैं, ठीक है, होम पेज पे जाते हैं, उसके बाद कहाँ क्लिक करते हैं। तो ये सारी रिपोर्ट जो है आपको बिहेवियर फ्लो, बहुत अच्छी रिपोर्ट है फ्रेंड्स, आप अपने बिजनेस के साथ इसे शेयर कर सकते हैं। और इसका एक और तरीका आपको बताता हूँ कि आप जब ये रिपोर्ट बना लें तो आप इसको एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं।
एक्सट्रैक्ट करके देखिए, यहाँ से आप ऑटोमेटिकली से क्रिएट कंटेंट ग्रुपिंग, ऑटोमेटिकली ग्रुप पेजेज, इवेंट्स पेजेज एंड इवेंट्स, यहाँ से एक्सपोर्ट कर सकते हैं इसका पीडीएफ। ठीक है, जब आप मान के चलिए आपने इसमें 7th इंटरेक्शन या 8th इंटरेक्शन तक रिपोर्ट बनाई और उसे पीडीएफ में एक्सपोर्ट करो, आप शेयर कर दीजिए, बहुत अच्छी रिपोर्ट बनती है जिसमें आपको बहुत ज्यादा दिमाग नहीं लगाना है, बस आपका गोल क्लियर होना चाहिए कि आपको देखना क्या है। उसके बाद फ्रेंड्स हम आते हैं साइट कंटेंट पे। देखिए साइट कंटेंट से जैसे आप इसके नाम से समझ में आ रहा है, इसमें हमारे पेजेस की रिपोर्ट मिलती है। ऑल पेजेस में अगर मैं जाऊंगा तो यहाँ पे मुझे सारे पेजेस की रिपोर्ट मिलेगी। इन पेजेस में मुझे क्या क्या मिलता है, पेजेस का नाम मिलता है, पेज व्यू मिलता है, यूनिक पेज व्यू मिलता है, एवरेज टाइम ऑन पेज मिलता है, एंट्रेंस मिलता है, बाउंस रेट मिलता है, परसेंट एग्जिट मिलता है और पेज वैल्यू मिलती है। ठीक है, आप यहाँ देख सकते हैं हमारे पेजेस के नाम आ रहे हैं यहाँ पे, ये और ये सारा डेटा आ रहा है। उसके बाद कंटेंट ड्रिल डाउन में अगर आप जाएंगे तो यहाँ पे देखेंगे कि आपका जो वेबसाइट है, आप पे जो फोल्डर बने हुए हैं जैसे ब्लॉग का बना हुआ है, उस पे कितने पेज व्यू आ रहे हैं, कितने यूनिक पेज व्यू है, एवरेज टाइम क्या है, बाउंस रेट क्या है, परसेंट एग्जिट क्या है, तो ये सारी चीजें आप यहाँ से निकाल सकते हैं। तो इन सारी रिपोर्ट से आपको क्या समझ आता है फ्रेंड्स, देखिए बाउंस रेट समझ में आता है कि अगर कम है मेरा अच्छा है, 0% वेल एंड गुड की लोग आते हैं, पढ़ते हैं तब जाते हैं। अब अगर आप देखें कि जो परसेंट एग्जिस्ट है किसी पेज के लिए, देखिए 70% है, ब्लॉग पे आए और 70% लोग भाग गए, क्या रीजन है ऐसा, तो ये हमें एनालिसिस करते हैं, उसके पेज को कंटेंट को चेंज कर सकते हैं और उस पर देख सकते हैं कि एग्जैक्ट प्रॉब्लम क्या है। इसके बाद आता है सिमिलरली लैंडिंग पेज के केस में भी यही होगा कि आपके लैंडिंग पेज होगा जहां आप यूजर लैंड कर रहा है, उसके सेशन, आपका न्यू सेशन कितने बने हैं, परसेंटेज न्यू यूजर्स कितने आए हैं, बाउंस रेट क्या है, पेजेज पर सेशन क्या है, एवरेज सेशन ड्यूरेशन क्या है, गोल कन्वर्जन क्या है, गोल कम्प्लीशन वैल्यू क्या है और गोल वैल्यू क्या है। तो आप यहां से आप चाहें तो जो आपके गोल बने हुए हैं वो चेंज भी कर सकते हैं, सेकेंडरी डायमेंशन में भी इस रिपोर्ट को तोड़ सकते हैं और देख सकते हैं आगे फर्दर यूजर्स कैसे इस पे हमारे लैंडिंग पेज पे लैंड करने के बाद क्या डेटा आता है। एग्जिट पेजेस फ्रेंड्स, एग्जिट पेजेस वो होते हैं जहां से यूजर ज्यादा से ज्यादा हमारा एग्जिट कर रहा है, हमारी वेबसाइट को छोड़ के जा रहा है। तो देखिए हमें देखना होगा कि 75% लोग हैं ऐसे जो हमारे होम पेज पे आते हैं और चले जाते हैं, मतलब होम पेज से ही आउट हो जाते हैं। तो देखिए बहुत सारे पेजेस का हमारा जो है ज्यादातर पेजेस का 80+ ही है, तो क्योंकि हमारा इस पे जो कंटेंट है वो ट्रेनिंग से रिलेटेड है। तो कई बार क्या होता है कि हम कोई कैंपेन चला रहे हैं तो बंदा एनालिटिक्स ट्रेनिंग ढूंढ रहा था, तो गूगल एनालिटिक्स ट्रेनिंग के पेज को विजिट करेगा और यहीं से आउट हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरीके की भी रिपोर्ट होती है, बाकी ये टोटली आपके नेचर ऑफ बिजनेस पे डिपेंड करता है किस तरीके का आपका कंटेंट है, किस तरीके की वेबसाइट है, उससे आप अच्छे तरीके से पता कर सकते हैं। नाउ फ्रेंड्स आते हैं साइट स्पीड पे। देखिए फ्रेंड्स ये जो साइट स्पीड है, मैंने आपको भी पहले कुछ टूल्स बताए होंगे कि स्पीड चेक करने के और भी बहुत सारे टूल्स होते हैं और अब गूगल ने इसमें ऐड कर दिया है ये, तो यहाँ से आपको क्या पता चलता है कि एवरेज पेज लोड टाइम क्या है। ठीक है, एवरेज रिडायरेक्शन टाइम क्या है, डोमेन लुकअप टाइम क्या है, सर्वर कनेक्शन टाइम क्या है, सर्वर रेस्पॉन्स टाइम क्या है और पेज डाउनलोड टाइम क्या है, सारे ब्राउजर का देता है, कंट्री का, पेजेस का। तो यहाँ से हम एक ओवरऑल एनालिसिस लेते हैं, जो कि इस तरीके का जो एनालिसिस होता है वो टेक्निकल टीम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होता है कि भाई ऐसा कौन सा एलिमेंट है मेरी वेबसाइट का, मेरी पेजेस का, जो कि सबसे ज्यादा रेस्पॉन्स टाइम ले रहा है। ठीक है, तो इस तरीके की प्रॉब्लम्स को हम सॉर्ट आउट कराते हैं, एनालिसिस करते हैं, डेव टीम के साथ डिस्कस करते हैं और कोशिश करते हैं कि हमारा रेस्पॉन्स टाइम या सर्वर कनेक्शन टाइम मिनिमम से मिनिमम हो। इसके बाद फ्रेंड्स हम देखते हैं पेज टाइमिंग्स। पेज टाइमिंग्स ओवरव्यू ये था, अब इसी को हमने पर्टिकुलर डीप में हम चले जाते हैं कि पर्टिकुलर पेज के लिए कितना पेज व्यू बन रहे हैं और उसका एवरेज पेज लोड टाइम पर सेकंड कितना है, कंपेयर्ड और एवरेज से करते हैं। यहां से आप इसे ब्रेक कर सकते हैं पेज व्यू में, बाउंस रेट, परसेंट एग्जिस्ट और पेज वैल्यू में। फिर है स्पीड सजेशंस। ठीक है, देखिए स्पीड सजेशंस, अगर हमें अपने वेब पेज या अपनी वेबसाइट की किसी भी पेज की स्पीड को बढ़ाना है, ठीक है, तो अगर आपको याद होगा बहुत सारे ऑनलाइन टूल आपको मिल जाएंगे जो आपकी वेब पेज की स्पीड को बताते हैं किस तरीके से आप बढ़ा सकते हैं, कौन कौन से एलिमेंट हैं जो सबसे ज्यादा टाइम ले रहे हैं। तो इस तरीके का आप यहां से एनालिसिस कर सकते हैं और अपने जो भी कंसर्न्ड पर्सन है, आपकी मान के चलिए मैनेजर है या आपका क्लाइंट है, उसके साथ ये रिपोर्ट आप शेयर कर सकते हैं। तो ये देखिए स्पीड सजेशन में ये डेटा आता है, पेज व्यू, एवरेज पेज लोड टाइम इन सेकंड। ठीक है, पेज स्पीड सजेशन अगर आप यहाँ पे क्लिक करेंगे, ठीक है, हेल्प पे लेके जाएगा और यहाँ पे ये आपको सजेशन भी देगा। ठीक है, अबाउट साइट स्पीड क्या क्या है, नेविगेट, और यहाँ पे पूरी रिपोर्ट आपको दिखाएगा कि किस तरीके से, तो आप इसे पढ़ सकते हैं, देख सकते हैं क्या है किस तरीके से।
उसके बाद आता है यूजर टाइमिंग्स पे। तो देखिए फ्रेंड्स, यूजर टाइमिंग का मतलब है कि कोई भी यूजर आपकी वेबसाइट को विजिट कर रहा है और विजिट करने के बाद ये दिखाता है कि किसी पर्टिकुलर यूजर ने आपकी वेबसाइट पे कितना टाइम दिया है। ठीक है, तो इसके लिए हमें थोड़ा सा कस्टम सेटिंग करनी होती है, इम्प्लीमेंटेशन करना होता है कि हम यूजर को कैसे आइडेंटिफाई करें अपनी वेबसाइट पे, तब ये डेटा आएगा। इसके बाद फ्रेंड्स हम आते हैं साइट सर्च पे। ये बहुत ही सिंपल है, देखिए इसमें अभी कोई डेटा नहीं आएगा, मैंने इसलिए इसे एक्टिवेट नहीं किया था, सिर्फ आप लोगों को बताने के लिए और सिखाने के लिए। आपको क्या करना है, अगर ये डेटा नहीं आ रहा है तो आपको कुछ भी नहीं करना है, बहुत सिंपल सा तरीका आपको बताने जा रहा हूँ। आपको क्या करना होगा, अपने वेबसाइट के एडमिन सेक्शन में जाएंगे और जिस भी प्रॉपर्टी पे करना है उसके व्यू सेटिंग में जाएंगे। व्यू सेटिंग में जब जाएंगे आप नीचे, तो साइट सर्च ट्रैकिंग है, इसको आपको एक्टिवेट सिर्फ कर देना है। ठीक है, और यहाँ साइट स्ट्रिप क्वेरी पैरामीटर ऑफ यूआरएल, अगर आप कुछ डालना चाहते हैं 5 पैरामीटर डाल सकते हैं, अदरवाइज आप इसे ब्लैंक छोड़ सकते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, और आप इसे सेव कर देंगे, मतलब साइट सर्च ट्रैकिंग को मैंने क्या कर दिया, यहाँ पे एक्टिवेट कर दिया, मैंने इसको सेव कर दिया। इसके बाद अब क्या होगा कि आपकी वेबसाइट पे डेटा आना स्टार्ट हो जाएगा। ठीक है फ्रेंड्स, अब हम पीछे फिर चलते हैं अपने बिहेवियर सेक्शन पे, जो हम रिपोर्ट के बारे में बात कर रहे थे। तो ये साइट सर्च का डेटा हो गया पूरा, जब हमारा डेटा आना शुरू हो जाएगा तो आप उसमें देख सकते हैं यूजेस, सर्च टर्म एंड सर्च पेजेस, क्या टर्म सर्च किया गया था, कौन से पेजेस पे किया गया था। इसके बाद फ्रेंड्स आते हैं इवेंट्स पे। देखिए बहुत ही इंपॉर्टेंट सेक्शन है ये, बहुत ही बढ़िया सेक्शन है। मेजरली हम इस पे क्या करते हैं कि जो हम कस्टम इम्प्लीमेंटेशन करते हैं अपनी वेबसाइट पे, देखिए ये डिफॉल्ट नहीं होता है, इस पे हमें इम्प्लीमेंटेशन करना पड़ता है। तो मैंने कुछ नहीं, देखिए दो इवेंट बना रखे हैं और ये टोटली डिपेंड करता है हमारी वेबसाइट के ऊपर कितनी है। तो हम इवेंट कैटेगरी, एक्शन और लेवल, तीन चीजें होती हैं जो कि हम इवेंट क्रिएट करते समय देते हैं। और वहाँ और भी पेज यूआरएल आप लेवल में ले सकते हैं, एक्शन में आप क्लिक, फॉर्म सबमिशन, कुछ भी ले सकते हैं। तो अब मान के चलिए फॉर्म सबमिशन का डेटा अगर मैं देखना चाहता हूँ तो इसमें तीन चीजें मिलती हैं। देखिए मैं इवेंट कैटेगरी देख रहा हूँ, आप इसका इवेंट एक्शन भी देख सकते हैं और इवेंट लेवल देख सकते हैं। ठीक है, सक्सेसफुल फॉर सबमिशन है एक्शन मेरा, और इवेंट लेवल में देखिए पेज का यूआरएल है। ठीक है, अगर आप इसको कहीं फर्दर तोड़ना भी चाहते हैं, मान के चलिए इवेंट लेवल के साथ साथ मुझे इवेंट कैटेगरी भी चाहिए, तो आप यहाँ पे कैटेगरी सेलेक्ट कर दीजिए और देखिए ये आपको कैटेगरी के साथ साथ पेज लेवल मिल जाएगा। सिमिलरली अगर आप पेजेस में जाएंगे तो आपको यहाँ से पेजेस की रिपोर्ट मिल जाएगी कि जो इवेंट हमने लगा रखी है, टॉप इवेंट्स जो थी, वो किस किस पेजेस पे हैं। ठीक है, तो इस तरीके के आपको पेजेस मिल जाएंगे। इवेंट्स फ्लो क्या है, देखिए फ्रेंड्स जैसे बिहेवियर फ्लो था यूजर का, उसी तरीके से इसमें इवेंट फ्लो में भी होता है, सेम प्रोसेस है। आप यहाँ देख सकते हैं कंट्री मैंने सेलेक्ट कर रखा है इंडिया, इंडिया से कहाँ पे मेल टू पे क्लिक किया, तो जो इवेंट होगा, मतलब यहाँ से आप जो भी डायमेंशन देखेंगे उसके बाद जो इवेंट होगा, उस इवेंट के बारे में कि किस तरीके से इंटरेक्शन इवेंट पे हमारा पर्टिकुलर यूजर कर रहा है, तो ये आप देख सकते हैं। आप अगेन इसको देखिए, जहां तक ये हमारा लेवल आ रहा है, थर्ड इवेंट तक आ रहा है, तो जितनी इवेंट होंगी वहां तक ये हमारा डेटा जाएगा और आप वहां तक इसे एनालिसिस कर सकते हैं। नेक्स्ट आता है फ्रेंड्स पब्लिशर। तो ये मोर ओवर होता है गूगल एडसेंस के बारे में कि अगर आपकी वेबसाइट पे आपने एडसेंस लगा रखा है, एडसेंस आपकी वेबसाइट पे चल रहा है और आप यहाँ कनेक्शन कर देंगे, तो एडसेंस से रिलेटेड डेटा कि कितनी बार इम्प्रेशन हुआ, आपका जो एडसेंस है कितनी बार विजिबल हुआ है, किस किस पेज पे हुआ है, कैसे हो रहा है, वो सारा डेटा ओवरव्यू में, पब्लिशर पेजेस कौन कौन से हैं, पब्लिशर रेफरर कौन कौन से हैं, तो ये सारी चीजें आपको यहाँ पे मिल जाती हैं। इसके बाद इसमें लास्ट आता है एक्सपेरिमेंट्स। फ्रेंड्स देखिए पहले चलता था ये, लेकिन अब गूगल एनालिटिक्स ने इसे गूगल ऑप्टिमाइज का नाम दे दिया, अलग से ही एक सेक्शन बना दिया है। देखिए जैसे कि आप यहाँ देख भी पा रहे हैं, स्टार्टिंग न्यू कंटेंट एक्सपेरिमेंट इज नो लॉन्गर सपोर्टेड, कंप्लीटेड एक्सपेरिमेंट्स रिमेन अवेलेबल इन रीड ओनली मोड, कंसीडर माइग्रेटिंग टू गूगल ऑप्टिमाइज। तो अगर आप यहाँ पे क्लिक करेंगे तो गूगल ऑप्टिमाइज पे चले जाएंगे, इसके बारे में भी मैं आपको बताऊंगा, डिटेल में समझाऊंगा कि किस तरीके से हम एक्सपेरिमेंट्स कर सकते हैं। आपको थोड़ा अगर आइडिया हो तो ये भी टेस्टिंग हम करते हैं, ठीक है, तो ये भी टेस्टिंग के ऊपर मैं आपको बताऊंगा किस तरीके से टेस्टिंग कर सकते हैं, किस तरीके से रिजल्ट फाइनल करते हैं, क्या क्या चेंजेस करने के बाद करते हैं, तो ये सारी चीजें मैं आपको इसमें शेयर करूंगा। तो फ्रेंड्स मैं उम्मीद करता हूं कि आज की वीडियो में जो बिहेवियर सेक्शन हमने जिसके बारे में सीखा है कहीं ना कहीं आपको हेल्प करेगा। कोई भी क्वेरी आपकी, कोई भी क्वेश्चन होगा तो होपफुली मैं उसका आंसर ऑलरेडी कर चुका हूं, फिर भी अगर आपकी कोई क्वेरी है, फर्दर कोई भी क्वेश्चन है, तो आप कमेंट सेक्शन में जरूर लिखें, मुझे बताएं, मैं कोशिश करूंगा जल्द से जल्द आपकी क्वेरी का, आपके क्वेश्चन का रिप्लाई कर पाऊं। अच्छा फ्रेंड्स, अगर अभी तक आपने मेरा वीडियो, मेरा चैनल लाइक नहीं किया है, सब्सक्राइब नहीं किया है, तो प्लीज सब्सक्राइब कर लें,
और हो सकता है जब आप कमेंट करते हैं, अगर आपका कोई क्वेश्चन भी नहीं है तो आप एक पॉजिटिव वे में भी कमेंट कर सकते हैं कि मेरी वीडियो किस तरीके से आपको हेल्पफुल हो रही है। तो इससे क्या होता है फ्रेंड्स, हमें थोड़ा सा मोटिवेशन मिलता है और हम नेक्स्ट टॉपिक को और अच्छे से प्रेजेंट कर पाते हैं। तो ये फ्रेंड्स हमारे लिए मोटिवेशन होता है, आपका जो सपोर्ट होता है इन टर्म्स ऑफ सब्सक्राइब, इन टर्म्स ऑफ लाइक और कमेंट। तो फिर फ्रेंड्स प्लीज आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, कमेंट करें और लाइक करें। थैंक यू फ्रेंड्स, थैंक्स फॉर योर टाइम, थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो।